नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई जमीन लेने जा रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी जांच पड़ताल करना आपके लिए जरूरी है। अक्सर होता क्या है कि जब हम कोई जमीन खरीदने जाते हैं तो जो विक्रेता होता है वो इतनी ज्यादा जल्दबाजी में होता है जमीन को बेचने के कि वो क्रेता को बार बार कई तरह का प्रलोभन देता है और अक्सर क्रेता उस प्रलोभन में आ करके जमीन को जल्द ही खरीद लेते हैं, जल्दबाजी में खरीद लेते हैं और बहुत से जरूरी डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी जांच पड़ताल करना वो भूल जाते हैं और अक्सर अपनी इस लापरवाही के कारण उन्हें भविष्य में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ जाता है और कभी कभी तो ये चक्कर जो लगता है वो पूरा आजीवन चलता रहता है पर वो जमीन आपकी होते हुए भी आपकी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर आप कोई जमीन खरीद रहे हैं या खरीदने की सोच रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों को जरूर ध्यान में रखिए और कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिनकी आप जरूर जांच पड़ताल कराइए, उसके बाद ही आप जमीन खरीदिए। सबसे पहले तो आप जिस जमीन को लेना चाह रहे हैं आप उस जमीन का पहले दिखवा लीजिए कि उस जमीन को कितने बार खरीदा या बेचा गया है और जितने बार भी उसे खरीदा या बेचा गया है तो उसकी जब जब रजिस्ट्री हुई है उन सभी रजिस्ट्री के कागजों को आप मिलान कर लीजिए, देख लीजिए कि उनमें कहीं भी किसी भी तरह की गड़बड़ी तो नहीं है। उसके बाद आप अगर जमीन खरीद रहे हैं खेती के पर्पस से तो सरकार का जो राजस्व विभाग होता है वहां से आपको उस जमीन की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, तो आप उन डिटेल्स को आप निकलवा लीजिए वहां से और उसकी जांच पड़ताल करा लीजिए और उस जमीन का खसरा नंबर निकलवा लीजिए। जब आप खसरा नंबर निकलवा लेते हैं तो उस खसरा नंबर में उस जमीन के बारे में सारी डिटेल दी गई रहती है, तो आप उन डिटेल्स को आप अच्छे से बखूबी आप उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए। ये अगर आप जमीन को खरीद रहे हैं रेजिडेंशियल पर्पस से तो आप इस बात की जांच पड़ताल करिए कि जो जमीन आपको बेची जा रही है उस जमीन पे रेजिडेंशियल अलाउ है या नहीं है। अगर अलाउ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है और अगर अलाउ नहीं है तो आप वहां पर सतर्क हो जाइए। टाउनशिप एरिया के लिए अगर आप जमीन ले रहे हैं टाउनशिप के लिए तो आप देख लीजिए कि वो जमीन टाउनशिप एरिया के लिए सुटेबल है या नहीं है। नगर निगम में जो उसका नक्शा बना हुआ है वो उस नक्शे में इस चीज का जिक्र किया गया है या नहीं किया गया है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेते हैं तो भविष्य में आने वाली समस्याओं से आप बच सकते हैं और कभी कभी अपनी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आप पूरी लाइफ झेलते रह जाते हैं, तो इसलिए अपनी छोटी छोटी लापरवाहियों को आप किनारे करके थोड़ा सा सतर्क होकर के ही कोई काम करिए। फिर आप जिससे जमीन खरीद रहे हैं आप उसकी आईडी ले करके जमीन के पेपर से मिलान कर लीजिए। आप ये देख लीजिए कि जो आईडी पे जो सारी डिटेल दी गई है वही जमीन के विक्रेता के जगह जिसका नाम है उस पर वही सारी डिटेल्स हैं या नहीं है। जब आप उसकी जांच पड़ताल कर लेंगे तो आप इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ जो जमीन आपको बेच रहा है वो जमीन उसी की है, तो भविष्य में होने वाली समस्याओं से आप बच सकते हैं। फिर आप ये देखिए कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं उस जमीन पर लोन करने के लिए क्या बहुत सारे बैंक्स तैयार हैं। अगर बहुत सारे बैंक्स उस जमीन पर लोन करने के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब है कि उस जमीन पर रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप निश्चिंत होकर के आप उस जमीन को खरीद सकते हैं क्योंकि बैंक जो होते हैं वो लोन उसी जमीन पर करते हैं जिस पर उन्हें रिस्क कम होता है, तो अगर वो लोन करने के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब कि जमीन रिस्क फ्री है। फिर एक छोटी सी बात जो अक्सर लोग नहीं करते हैं, इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आप अगर जमीन खरीद रहे हैं तो आप इसको जरूर ध्यान रखिए और इसको जरूर करिएगा। जब आप जमीन खरीदते हैं तो उसका एक पेपर में न्यूज़पेपर में जाहिर करवा दीजिए, आप उसके बारे में निकलवा दीजिए कि अब से वो जमीन आपकी हो गई है, आपने उसे फला व्यक्ति से खरीद लिया है। इस छोटे से काम को अगर आप कर लेते हैं तो भविष्य में अगर कभी जमीन के क्रेता को लेकर के जमीन के मालिक को लेकर के अगर कोई विवाद होता है तो ये आपके द्वारा किया गया छोटा सा काम आपके लिए बहुत बड़ा साक्ष्य साबित हो सकता है, तो इसलिए इसे आप जरूर कर लीजिए। फिर आप जो जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं, जो एग्रीमेंट कराते हैं, उसके जो पेपर होते हैं आप उसकी भी रजिस्ट्री करा लीजिए। आजकल वो चीज़ रजिस्ट्री के टाइम पर ही कर दी जाती है तो आप उसे भी तुरंत ही करवा लीजिए जिससे आप भविष्य में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
जब आप रजिस्ट्री कराते हैं जमीन की, तो जो रजिस्ट्रार ऑफिस का जो काम होता है वो केवल रेवेन्यू को चेक करना होता है, न कि जमीन की सही है या गलत, या कहीं कोई फर्जी तो नहीं है, इस तरह की चीज़ों को जान इन सब चीज़ों की जांच करना वो रजिस्ट्रार ऑफिस का काम नहीं होता है, ये काम है क्रेता का। इसलिए आप क्रेता हैं तो आप अपने लिए खुद ही सतर्क रहिए, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, और जमीन जब भी लीजिए तो पूरी सतर्कता के साथ लीजिए, क्योंकि जमीन का मुकदमा एक ऐसा मुकदमा है जिसमें अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी पूरी लाइफ इसमें लमसम निकल ही जाती है। तो इसलिए जब भी अपने सपनों का एक महल बनाने के लिए आप कोई ज़मीन लेने के लिए तैयार हैं, या अपने किसी सपने को पूरा करने के लिए आप ज़मीन लेने को सोच रहे हैं, तो इसके लिए आप थोड़े से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और उसके बाद ही ज़मीन को लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।